वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रोफेसर विजय केडिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केडिया कॉमर्स क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले 10 पॉइंट टू नो डिटेल अबाउट सीए फाउंडेशन कोर्स। सीए फाउंडेशन की पूरी डिटेल कोर्स हम आज इसमें देखने वाले हैं, और जिसमें कुछ कंटेंट लेके मैं आया हूँ कि जिसमें सीए फाउंडेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, कौन से कंटेंट होना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट एलिजिबिलिटी, सेकंड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, फोर्थ रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, फिफ्थ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा, सिक्स सिलेबस कौन सा है, सब्जेक्ट के नेम क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सेवन एग्जामिनेशन कब होती है, कैसे होती है और उसका फीस वगैरह क्या होता है, पेपर पैटर्न एक नंबर पर अगर हम देखते हैं, एक नंबर का कंटेंट है पेपर पैटर्न कैसे होगा सीए फाउंडेशन का, एंड नाइन सीए फाउंडेशन की मार्किंग किस तरह से होती है, कितने मार्क का सीए फाउंडेशन होता है, और 10 है पासिंग क्राइटेरिया एंड मार्क्स की आपको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए, ये भी आज हम देखने वाले हैं। यानी आज टोटल 10 पॉइंट सीए फाउंडेशन के बारे में डिटेल 10 पॉइंट हम देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फी, ग्रुप एंड स्टडी मटेरियल, सिलेबस, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न, मार्किंग और पासिंग क्राइटेरिया एंड मार्क्स, ये आज हम देखने वाले। तो जिसमें से फर्स्ट कंटेंट से बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी पात्रता जिसको हम बोलते हैं कि कौन से स्टूडेंट कब एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। तो अपियरिंग इन अ क्लास 12th या फिर क्लास 12th पास जो स्टूडेंट होते हैं कैन रजिस्टर फाउंडेशन कोर्स। यानी अगर आप 12th पास होते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप 12th में अपियर हो तो भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें कौन से फील्ड के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आर्ट हो या कॉमर्स या साइंस, इसके लिए कोई फील्ड बाइंडिंग नहीं है कि कॉमर्स ही होना चाहिए। अगर आप आर्ट से हो या फिर आप साइंस से हो या फिर आप कॉमर्स से हो तो कोई भी फील्ड से इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके लिए कोई भी ऐसा ये नहीं है। नेक्स्ट है, मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए 12th में। तो परसेंटेज ICAI ने कोई भी ऐसे परसेंटेज नहीं रखे कि आपको इतने परसेंटेज रहे तो ही आप इसको अपियर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। परसेंटेज आपको कम भी रहे तो चलता है, आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप सीए फाउंडेशन के लिए अपियर हो सकते हो, परसेंटेज का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दे पाए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं सीए फाउंडेशन के लिए। एक तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड या फिर आपकी जो मार्कशीट होती है क्लास 12 की, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे। वन रिसेंट कलर फोटो, एक कलर फोटो जो भी आपका रिसेंट कलर फोटो होगा वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 10 मार्कशीट, अगर आप अपियर हो 12th में और वो टाइम पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो पहले आपको 10 की मार्कशीट जो होती है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्टूडेंट वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस इसलिए बोले हुआ है क्योंकि ICAI फिर आपको जो भी नोटिफिकेशन या जो भी चीजें सेंड करेगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड करेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 6 नंबर का पॉइंट हम याद देख रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो टाइम पे आपको जो भी OTP सेंड होते हैं वो मोबाइल नंबर पे सेंड होते हैं, जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प होती है। और ये है सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट फॉर सीए फाउंडेशन। थर्ड नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन, कि सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। तो बच्चों आपको बता दूं ICAI.org ये इनकी क्या है वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफलाइन रजिस्टर बच्चों कहीं पे भी नहीं होता है, ऑनलाइन ही रजिस्टर होता है। और आपको ऑनलाइन रजिस्टर जब आप करने जाओगे तो ध्यान रहे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सभी चीजें आपकी रेडी होना चाहिए। और अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने किया वहां से इसकी जो वैलिडिटी होती है ये 3 इयर्स तक, यानी आज आपने रजिस्ट्रेशन किया 3 साल के अंदर आपकी वो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहेंगी, आफ्टर 3 ईयर वो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, 4th नंबर का पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होना चाहिए फॉर सीए फाउंडेशन। तो ICAI के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फीस जो अभी की है ये 9200 है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और स्टडी पीरियड जो होता है आफ्टर 12th मिनिमम 4 मंथ आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन, और बिफोर 30 जून के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए रेडी हो सकते हो, और अगर आप 31 दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप नेक्स्ट मई के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर सीए फाउंडेशंस, ICAI पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके डोर स्टेप पे ICAI बुक आपको सेंड करती है कुरियर के थ्रू। 45 डेज के अंदर बच्चों आपको पूरा स्टडी मटेरियल ICAI क्या करती है आपको सेंड करती है। अगर यदि कोई कारण से डिले होता है तो आप चाहे तो ICAI.org
वेबसाइट पे जाके वहां पे डाउनलोड भी आप वो बुक स्टडी मटेरियल कर सकते हो। सिक्स नंबर की बात अगर हम करते हैं एग्जामिनेशन एंड फीस फॉर सीए फाउंडेशन, तो सीए फाउंडेशन के लिए एग्जामिनेशन फीस क्या है? तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखे जाए तो सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है साल में, यानी एक साल में दो बार होती है, ट्वाइस ए ईयर, जिसको मई और नवंबर में इसकी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है फिल इन मार्च एंड सितंबर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मे एंड नवंबर। अगर आपको मे और नवंबर में एग्जामिनेशन देना है तो आप मार्च और सितंबर में उसको क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन की जो फीस होती है बच्चों, फॉर्म की फीस अलग होती है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है। 9200 जो थी वो रजिस्ट्रेशन फीस थी, और आपको जो एग्जाम फीस भरना है वो है 1500 रुपीज। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। आप उसमें कौन किए जाते हो कि अब ये स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है, तो इसलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे 3 साल के अंदर में, तो आपको नेक्स्ट जब भी एग्जाम होगी तो वो देना कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 7 नंबर, सिलेबस सब्जेक्ट एंड पेपर फॉर सीए फाउंडेशंस। अगर पेपर की बात करते हैं तो इसमें बच्चों 4 सब्जेक्ट है, जिसको 4 पेपर भी बोला जाता है। फर्स्ट पेपर का जो नाम है, जिसको फर्स्ट सब्जेक्ट का भी नाम बोलेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग विच कैरी 100 मार्क्स। सेकंड है बच्चों पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टिंग, दैट इज ऑल्सो कैरी 100 मार्क्स। बट यहाँ पे एक चीज देखने की चीज ये है कि ये जो पेपर ये दो पार्ट में डिवाइडेड करे हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो है बिजनेस लॉज, दैट इज वो कैरी करता है 60 मार्क। एंड जो पेपर सेकंड नंबर है उसमें जो सेक्शन बी है ये कैरी करता है 40 मार्क, जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब पेपर नंबर 3 की बात करते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्ट्रेटजी विच ऑल्सो कैरी 100 मार्क्स। अब इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज ऑल्सो कैरी 60 मार्क्स। एंड पार्ट 2 है स्टैटिस्टिक, जो कैरी करता है 40 मार्क्स। पेपर नंबर 4 की बात हम करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, दैट इज फॉर 100 मार्क्स। इसके भी दो पार्ट है, तो पहला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज फॉर 60 मार्क, एंड सेकंड पार्ट जो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज फॉर 40 मार्क। तो एक चीज ध्यान में रखना है, पेपर अगर फर्स्ट अगर छोड़ते हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग का पेपर है, अकाउंट का पेपर है, तो बाकी जो भी पेपर है सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके सभी दो दो पार्ट में बच्चों ये डिवाइडेड करेगा। नेक्स्ट 8 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं, कंटेंट नंबर 8 पेपर पैटर्न एंड टाइम फॉर सीए फाउंडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेपर नंबर जो 1 हमने देखा और पेपर नंबर जो 2 देखा आर सब्जेक्टिव, यानी जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं, जिसमें आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, सेंटर पे आपको पेपर हैंड ओवर किया जाएगा, वो पेपर आपको 100 मार्क का होगा और आपको 3 घंटे के अंदर बच्चों उसके आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में ये पेपर रहेंगे। आपको 3 आवर्स वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 आवर्स का टाइमिंग होगा, वो 3 घंटे के अंदर ही आपको वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेपर नंबर 3rd और 4th जो है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस है, जिसको ऑप्शनल भी बोली जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। एमसीक्यू बेस होता है, एक क्वेश्चन रहेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे और ये 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका वो सिलेक्ट करके उसको लिखना है। इसके लिए लेकिन 2 आवर्स फॉर पर पेपर फॉर 100 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे, 3rd नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 4th नंबर के पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बच्चों ध्यान देना यहाँ पे जो टाइम है ये सिर्फ 2 आवर्स होता है, और पेपर नंबर 1st और 2nd का जो टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर पैटर्न है, और ये जो पेपर होता है ये आपको एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। नेक्स्ट मार्किंग कैसे होती है सीए फाउंडेशन की, तो इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होती है, ओनली फॉर पेपर नंबर 3rd और 4th में ही होती है, 1st और 2nd में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो पेपर नंबर 3rd और 4th है उसमें सब निगेटिव मार्किंग की होती है, बिकॉज उसका रीजन है कि वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। अब इसका जो मार्किंग का पैटर्न होता है वो होता है -1/4, यानी 0.25। अब 0.25 फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपके -0.25 मार्क उसमें से माइनस हो गए, और अगर एक राइट क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, जैसे 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन में से एक आपने राइट सॉल्व किया, 4 रॉन्ग कर लिए। अब पैटर्न क्या है इसका, -0.25, तो 25 + 25 = 50 + 25 = 75 + 25 = 1, यानी 4 क्वेश्चन का जो मार्क आया था वो आपके अगर रॉन्ग हुए होंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन राइट था वो भी रॉन्ग कंसिडर होगा। यानी अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 1 क्वेश्चन राइट है, तो 4 क्वेश्चन के 25 25 अगर पकड़ते 0.25 तो वो 1 प्लस होगा और उसमें से 1 माइनस होगा इज इक्वल टू 0, यानी आपको मार्क कैसे मिलेगा, 0।
तो इस तरह से इसका नेगेटिव मार्किंग होता है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है एंड पासिंग मार्क क्या होना चाहिए सिर्फ फाउंडेशंस के लिए, तो अ मिनिमम ऑफ 40 मार्क ईच पेपर इज रिक्वायर्ड, कम से कम एक पेपर में 40 मार्क आपको होना चाहिए। ये है सब्जेक्ट वाइज, बच्चों पेपर वाइज आपको कम से कम 40 मार्क होना चाहिए पास होने के लिए। बट इसके अलावा और एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा, एंड मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर इज रिक्वायर्ड। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना? यस। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अगर आप देखते हो अच्छे से तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे हुआ है। अगर आप मिनिमम जो पहली उनकी कंडीशन है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो 40 फर्स्ट पेपर में है, सेकंड पेपर में 40, थर्ड में 40, फोर्थ में 40, तो टोटल जो हमारा एग्रीगेट आ रहा है वो आ रहा है 160। लेकिन इसका मतलब होगा फेल, यानी आप पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हो बट फिर भी आप फेल हो। बिकॉज क्यों फेल हो? क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम कितना चाहिए, एग्रीगेट 50% आना चाहिए चारों पेपर की टोटल। अब यही सेकंड एग्जांपल जो हमने देखा है साइड में वो देखो, पेपर नंबर फर्स्ट में आपको 40 आपने लिए, सेकंड में आपको 60 मिला, थर्ड में 50 और फोर्थ में आपको 50, तो अगर टोटल अगर एग्रीगेट करते हैं तो 200 होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में 40 लो, दूसरे में 60, आप अगर एक में 70 लेते हो बाद में 40 लेते हो फिर, तो कम से कम जो टोटल आना चाहिए वो 200 प्लस आना ही चाहिए तो ही उसको पास कंसिडर किया जाएगा। सेकंड और चीज में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप पेपर दे रहे हो ये एक ही अटेम्प्ट में होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेक लिए अपियर हुए एग्जाम में, उसमें आपने पहले फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको 40 मिल गया फर्स्ट पेपर में, सेकंड में मिल गया 60 और फिर कुछ रीजन से आपको 40 आपकी एग्रीगेट टोटल नहीं आई, आप फेल हो गए, तो आपने जब अभी नेक्स्ट पेपर दिया तो नेक्स्ट पेपर में ऐसा हो रहा है कि मानो कि नेक्स्ट पेपर में ऐसा हुआ कि मानो आप पकड़ के चलते हैं हम लोग, आपने नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दी तो आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ पे मैं जो दो ही पेपर में ज्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टू में ऐसा नहीं होता है। आपको एट ए टाइम जब भी आप एग्जाम फिर से कंडक्ट करोगे या दोगे तो वो टाइम पे ये जरूरी है कि आपको चारों सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपका 200 आना चाहिए। आपको और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीए फाउंडेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, हमारे जो भी अपडेटेड वीडियोस होते हैं सीए फाउंडेशन के वो सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।